कुछ चाहते हैं कि एक बिश्नोई गैंग तो समाज आखिरकार हो सकता है, बड़ा शांत समाज है, और इनको कभी हो सकता है कि कभी विद्रोह की भावना जब सभी में जाग जाएगी तो हो सकता है कुछ बुरा भी हो। प्रेमी समाज को कोई गैंग कहता है तो इसलिए पूरे समाज को इस पे पूरा दुख होता है, आपत्ति होती है कि एक व्यक्ति यदि कोई गैंगवार है तो उसका नाम ही लिया जाए, पूरे समाज का नाम न लिया जाए। और पूरे समाज का नाम लिया जाएगा तो पूरा समाज एक दिन फिर उग्र रूप धारण करके हमें भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लॉरेंस की गैंग को बिश्नोई गैंग कहने पर बिश्नोई समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल लॉरेंस का पूरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है, और आजकल देश में कोई भी बड़ा क्राइम होता है तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नाम कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया और अखबारों में बिश्नोई गैंग कहे जाने पर समाज के लोग आपत्ति जताने लगे हैं। जी हां, आज फतेहाबाद की बिश्नोई धर्मशाला में इसी सिलसिले में बैठक की गई, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोग इकट्ठा हुए और कहा कि लॉरेंस अकेला गैंग हो सकता है, उसका बिश्नोई समाज गैंग नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज पर्यावरण और जीव प्रेमी है, इसलिए अगर कोई समाज को गैंग के नाम से बदनाम करेगा तो न केवल हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे बल्कि इसका भयानक परिणाम भी हो सकता है। जो बहुत ज्यादा आपत्ति है कि बिश्नोई समाज एक पर्यावरण प्रेमी समाज है, और जो पर्यावरण प्रेमी समाज को कोई गैंग कहता है तो इसलिए पूरे समाज को इस पे पूरा दुख होता है, आपत्ति होती है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं अभी अगर इस तरह ये नाम? हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति यदि कोई गैंगवार है तो उसका नाम ही लिया जाए, पूरे समाज का नाम न लिया जाए। और पूरे समाज का नाम लिया जाएगा तो पूरा समाज एक दिन फिर उग्र रूप धारण करके हमें भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लॉरेंस के पीछे बिश्नोई लगते हैं तो बिश्नोई गैंग कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि वो दोषी हैं या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो बिश्नोई गैंग कह रहे हैं? देखो, लॉरेंस के ऊपर आरोप लगे और आज तक कोई लॉरेंस का आरोप तय नहीं हुआ है। इसके एवज में आज से 25 साल पहले सलमान जी ने एक हिरन का हत्या की थी और वो आरोप न्यायालय में तय हो गए, तब भी आज कोई खान गैंग या ऐसे कहे तो वो एक आदमी ने यदि वो जुर्म किया है और वो जुर्म तय हुआ है तो दोषी केवल सलमान है, पूरा समाज नहीं है। और लॉरेंस ने यदि कोई जुर्म किया है और वो जुर्म तय हो जाता है न्यायालय में तो वो दोषी, आज तक तो उस पर कोई जुर्म तय ही नहीं हुए है तो वो दोषी कैसे? बिश्नोई नाम लगाने से आगे कोई बिश्नोई समाज थोड़ा जाता है सारा। इसको लेकर कोई मीटिंग भी की जा रही है समाज? हाँ जी, इसके लेकर हमारे बिश्नोई महासभा में भी मीटिंग हुई है और अभी जोधपुर इलाके में 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और आगे भी हम इसमें इकट्ठा हो गए, समाज को निर्णय लेंगे। और इस तरह बार बार ये चीजें लगाई जाती है तो इसको मान्य कोर्ट का सहारा लिया जाएगा जी, समाज बदनाम ना हो? हाँ जी, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल समाज कोर्ट न्यायालय में जाएगा और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। बिश्नोई गैंग की बात आती है, ये काफी समय से जो है ये अखबारों में देख रहे हैं, कई बार टीवी में इसका विरोध भी किया गया है और कई बार पेपर के माध्यम से राजस्थान के अंदर देखते हैं, उन्होंने माफी भी मांगी है कि ऐसा हम आगे से नहीं करेंगे। बावजूद उसके समझ में नहीं आता कि वो क्यों प्रसिद्धि पाना चाहते हैं बिश्नोई गैंग जोड़ करके। आज अगर देखें लॉरेंस को तो सिर्फ बिश्नोई कम्युनिटी क्यों, और लोग भी तो बड़ा उनका सम्मान कर रहे हैं। आज किसी भी पोस्ट पे देखिए उनको सब लाइक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हो सकता है वो अच्छे के लिए तो कर रहे होंगे ना, क्योंकि वो किसी, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने कुछ बुरा किया है, वो अपनी ओर से अच्छा कर रहे हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो, लेकिन ये नहीं है कि आप बिश्नोई गैंग करके पूरे समाज को जो है आप ऐसे कुछ सिद्ध करना चाहें। हमारा समाज तो बड़ा ही पर्यावरण प्रेमी, हिंसा का बिल्कुल जो है विरोध करता है और जीवों के प्रति दया भाव है, और उसी दया भाव के कारण ही ये इतना बड़ा विषय उठा हुआ है। लेकिन अगर वो कोई भी इसी मीडिया के माध्यम से या कुछ भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं कि एक बिश्नोई गैंग तो समाज आखिरकार हो सकता है, बड़ा शांत समाज है, और इनको कभी हो सकता है कि कभी विद्रोह की भावना जब सभी में जाग जाएगी तो हो सकता है कुछ बुरा भी हो। बिश्नोई समाज के पदाधिकारियों ने बैठक में पुलिस और जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस पर अभी तक कोई अपराध साबित नहीं हुआ है और वो जेल में भी बंद है। ऐसे में यदि वह जेल से कोई गैर कानूनी काम करता है तो पुलिस और जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? बहरहाल समाज के लोगों ने लॉरेंस की गैंग को बिश्नोई गैंग कहने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि बिश्नोई समाज को गैंग से जोड़कर दिखाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, अगर वो बाज नहीं आए तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब की स्टूडियो।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।